subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल के लैग को कैसे फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, पबजी मोबाइल के लैग को पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने पबजी के लैग को फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल 2GB रैम का मोबाइल है उसमें ट्राई किया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च किया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कैसे इस ट्रिक को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको सेटिंग्स ओपन करनी है और उसके बाद ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाकर पबजी मोबाइल की फाइल को ओपन करना है। फ्रेंड्स, लोड हो रहा है, लोड हो चुका है। उसके बाद पबजी मोबाइल ओपन कर लेना है, उसको फोर्स स्टॉप करना है और उसकी टच को क्लियर कर देना है। फ्रेंड्स, ऐसा आपको रोज करना होगा, जिससे आपका पबजी रिन्यू होता रहेगा। फ्रेंड्स, अब आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है, फिर फोन स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड ऑल फाइल्स में क्लिक करके एंड्रॉयड को ओपन करना है। फिर डेटा में जाकर com.tencent.ip की फाइल को ओपन करना है। फिर फाइल्स में जाना है, फिर यूनिफॉर्म गेम शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में 2 बार जाना है। फिर आपको सेवर्ड में जाना है, फिर इमेज डाउनलोड में उसमें जाना है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए बेफालतू की बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड हो रखी है, हमें इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फ्रेंड्स, ये डिलीट हो जाने के बाद आपको वापस आ जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट नाम का एक और होगा फोल्डर, उसको ओपन करके उसमें जो फोटो है उसको देख लीजिए। अगर आपके काम की होगी तो आप उसे रख लेना, नहीं तो आप उसे डिलीट कर देना। फ्रेंड्स, ये मेरे फ़ोटो कुछ काम की नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपके पबजी मोबाइल की जो स्टोरेज है वो कम हो जाएगी और पबजी लैग नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा आपको 2-3 दिन में एक बार करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे आपके पबजी मोबाइल का लैग कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक टूल तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। तो प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च बार में सर्च करना है GFX। फ्रेंड्स, देखिए ऊपर आ चुका GFX टूल्स फॉर पबजी, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। फ्रेंड्स, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन कर लेना इसको। फ्रेंड्स, इसमें जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ वही रखना है। फ्रेंड्स, इसको ग्लोबल सेलेक्ट करने के बाद रिजोल्यूशन अपने फ़ोन आपका फ़ोन जितना सपोर्ट करता है उतना ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर 1024x576 रख दिया है और ग्राफिक्स आपको स्मूथ रखना है और सब चीज़ आपको यहाँ पे मीडियम रखनी है। स्टाइल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सब कुछ मैंने अपने मीडियम में रखा है। शैडो डिस्टेंस हाई भी अभी मीडियम कर दिया सब। देखिए फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट है उसको भी मीडियम कर देना है आपको। सभी चीज़ों को मीडियम कर रखना है। कलर फॉर्मेट आपको 64-bit सपोर्ट रखना है। फ्रेंड्स, उसको ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उसको सभी को मीडियम कर रहा हूँ सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके रन गेम करना, ये ऐड आ जाता है इसमें, रन गेम कर देना है। तो फ्रेंड्स, मेरा पबजी ओपन हो रहा है सॉरी फ्रेंड्स, हो रहा है पबजी ओपन।
हो जा भाई, फ्रेंड्स देखिए ओपन हो रहा है। तो गाइस देखिए मेरा पबजी मोबाइल ओपन हो चुका है। अब आपको मैं एक टीडीएम लगा के दिखाता हूँ कि मेरा पबजी का लैग फिक्स हुआ या नहीं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, कलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो मैंने ये अरेना मोर टीडीएम लगा दिया, स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट हो रहा है। अब ये लोड होएगा फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छे ग्राफिक्स से चल रहा है, कितना स्मूथ दिख रहा है और कितना स्मूथ चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी ये भागेगा और ये भाग रहा है, ये मर भी गया इसने। सॉरी फ्रेंड्स मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ।